बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि कोरोना महामारी के चलते बाहरी राज्यों में जो लोग फंसे हैं उनको प्रदेश सरकार लगातार बुलाने का प्रयास कर रही है, जिसके अंदर परसों आपने देखा था बेंगलुरु से काफ़ी लोग ट्रेन के माध्यम से उन्ना उतरे थे, जिनको अपने अपने घरों में अपने अपने ज़िलों में क्वारंटाइन किया गया है। और अब क्योंकि आज जो है वो गोवा से ट्रेन जो है वो ऊना में पहुंची है और वहां से अब वो लोग जो अपने अपने ज़िलों में जा रहे हैं उनको बसों द्वारा लाया जा रहा है, जिससे मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। अभी पहली बस आई है कुल्लू की, जो कुल्लू जा रही है। मैं आपको यहां थोड़ा बताना चाहूंगा कि अब पुलिस ने भी कुछ बड़ी एहतियात यहां पर बरतने का प्रयास किया है, कि जिस तरह से पुलिस के जो कर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित पूरे देश भर में पाए जा रहे हैं, उसकी वजह से अब बड़सर पुलिस ने भी एहतियात के रूप में अपनी पीपी किट देकर जो है अपने जवानों को यहाँ पर आगे सामने करने का निर्णय लिया है। और ये बड़ा अच्छा प्रयास है कि पुलिस वालों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने ये सोचा है। तो जैसे अभी ये दो बसें हमारे बीच में आ गई हैं और भी आज बसें जो हैं वो जिला हमीरपुर की अलग अलग ज़िलों की जो है वो यहाँ पर आएंगी, जिनको जैसे अभी तीन बसें यहाँ पर आ गई। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे और ये दिखाएंगे अभी तीन बसें यहाँ पर आ गई हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो बाहर की बसें हैं जिला हमीरपुर के बाहर की, इन बसों को यहाँ जो है वो केवल एंट्री किया जाता है बसों के नंबर के साथ में, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर के मोबाइल नंबर के साथ में, और ड्राइवर के अलावा कितनी सवारियाँ इसके अंदर हैं वो सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर ली जाती है और उसके बाद में इनको यहाँ से भेज दिया जाता है। यहाँ इनका कोई भी चेकअप एक्स्ट्रा नहीं होता है, केवल यहाँ पर इनकी डिटेल ही एंट्री की जाती है। लेकिन जो जिला हमीरपुर की बसें आएंगी, जो जिला हमीरपुर को ले आएंगी, उनका डिटेल और उनकी साथ जो लिस्ट सवारियों की वो भी रखी जाएगी, और जो बड़सर के पर्टिकुलर लोग होंगे उनको यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर के लिए ले जाया जाएगा। तो ये थोड़ी प्रक्रिया रहती है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में अभी जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पिछले कल भी 7 नए केसेस जो हैं वो कोरोना के आए, जिसमें सिरमौर में आए, 2 बिलासपुर में आए, 1 हमीरपुर में आया और 2 कांगड़ा में आए। और कांगड़ा का जो ग्राफ है कोरोना मामलों में वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसको लेकर थोड़ा सा जो भी एहतियात है वो प्रशासन बरत रहा है और लोगों को थोड़ा यहाँ जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अब क्योंकि हिमाचल में कोरोना संक्रमण के खतरे की तरफ जो इशारा हो रहा है वो जागरूकता लोगों के अंदर हो रही है। तो इस तरह से ये देखिए आप ये सब यहाँ से जा रही है, ऐसे देखिए आप 5-6 बसें लगातार ये नीचे से पीछे आ गई हैं। लगभग आप इससे देख रहे हैं यहाँ पर बड़सर पुलिस ने बकायदा यहाँ पर SHO साहब भी खड़े हैं, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट भी यहाँ पर खड़ा है। तो ये सारी बसें जो हैं वो यहाँ से एंट्री करके आगे भेज दी जा रही हैं। तो जैसे अभी देख रहे हैं करीब 6-7-8 बसें जो हैं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और इसमें अभी कुल्लू की ज़्यादा बसें दिख रही हैं हमें, आगे भी कुल्लू की गई है और कुल्लू की ज़्यादा बसें यहाँ तक मुझे देखने में मिल रही हैं। बहरहाल अभी थोड़ा सा इस व्यवस्था को आप मैं दिखा रहा हूँ, हमारे सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बसें जो आ रही हैं ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश में गोवा से आए हैं, गोवा से जो ट्रेन आई है उसके माध्यम से आए हैं। इन सब लोगों का स्वागत है इनके अपने परिवार अपने घर के बीच में, और ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और साथ में ध्यान रखें कि जो इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न मैं जरूर रखना चाहूँगा कि ये लोग जो भी आ रहे हैं ये एक घर से नहीं आ रहे हैं, ये अलग अलग घरों से आ रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ये सब कुल्लू की बसें जा रही हैं, और ये जितनी भी बसें आप देख रहे हैं अभी इसमें सारी बसें कुल्लू की हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 बसें जो हैं वो कुल्लू की हैं। यानी कि इसमें जो जितने भी लोग जा रहे हैं वो सभी लोग जो है ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे। जैसे कि सरकार ने पहले होम क्वारंटाइन की पॉलिसी रखी थी लेकिन उसको अब बदलकर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की कर दी गई है। तो ये सारी बसें 8 बसें हमारे बीच में भी कुल्लू की गई हैं, बाकी आगे और भी बसें आएंगी वो आपके बीच में हम लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ कि अभी जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं इनमें कोरोना के जो संक्रमित होने के जो कारण है वो ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बसों में जितने भी लोग जाते हैं ये अलग अलग जगहों से आते हैं,
अलग अलग जगहों से आने की वजह से क्या होता है कि बसों में ही आ रहे हैं या पीछे ट्रेन में भी आए, तो कई जगह वायरस के होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में ही लोगों को ज़रूर एहतियात बरतनी है कि वह अपने आप को प्रॉपरली क्वारंटाइन में मेंटेन करें, और हम इनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएँ देते हैं, इनको भी ये स्वस्थ रहें। और आगे अभी और भी बसें आएंगी, अब आपको उसमें भी लेकर चलेंगे और पूरी रिपोर्ट आपको आज दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में इसी तरह से।